तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा AI एजेंट बना लो, AI एजेंट बनाना सीख लो, बट कोई ये नहीं सिखा रहा है कि एक्चुअली AI एजेंट बना कैसे सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन AI एजेंट। आज हम क्या बनाने वाले हैं, मेरे पास एक छोटा सा आइडिया आया था कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट ऑल द न्यूज़, ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड AI एवरी डे। उसके लिए आई एम गोइंग टू मेक एन AI एजेंट जो मेरे को न्यूज़ लेटर टाइप फॉर्म में एक ईमेल भेज रहा होगा हर रोज, एंड इट विल कंटेन ऑल द न्यूज़ दैट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट वन डे, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ N8N। ठीक है, अब AI एजेंट्स होते क्या, अगर मैं तुम्हें एक 5-year-old की तरह समझाऊँ तो AI एजेंट बेसिकली एक रोबोट टाइप होता है जो ऑटोनोमस तरीके से जो तुम उसको टास्क देते हो उसको कंप्लीट कर देता है, तुम्हारा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता है। एंड AI एजेंट्स आज के टाइम पे अलग अलग जगह यूज़ किए जा रहे हैं। अब AI एजेंट थोड़ा फैंसी टर्म हो जाता है, इट्स जस्ट अ बैक एंड सर्विस जिसको तुम कुछ डेटा देते हो, जिसको तुम कुछ इनपुट देते हो, वो उससे एक आउटपुट जनरेट करके तुम्हें दे देता है। दैट इज़ अ बेसिक AI एजेंट। देर आर मल्टीपल AI ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम AI एजेंट बना सकते हो, एंड वन ऑफ देम इज N8N, द वन वी आर गोइंग टू यूज़ टुडे। तो अगर हम N8N की वेबसाइट पर जाएंगे, N8N is workflow automation tool, we are going to go there। अब अगर तुम directly इसको use करते हो, ठीक है, अगर तुम्हें start करना है तो free में तुम start कर सकते हो, but अगर इसकी तुम pricing देखोगे तो अगर तुम्हें इसे cloud पे use करना है तो भाई starter के लिए तुम्हें 20 euro per month देने पड़ेंगे, अगर तुम्हें pro user हो तो 50 euro per month देने पड़ेंगे, but तुम इसको खुद से self host करते हो then you don't have to pay money for all this, and that is a very good way to start using it। अब hosting करके ना VPS होती है, VPS is virtual private server, कि तुम्हारा खुद का server तुम host कर पा रहे हो। इसकी भी multiple pricing है, अगर तुम जाके देखोगे तो KVM1, KVM2, KVM4, KVM8 अलग अलग तरीके है, कितने CPU के cores तुम्हें मिल रहे हैं, कितनी RAM मिल रही है उसके ऊपर depend करता है। Mostly लोग ये वाला use करते हैं। I'm also going to choose this one to try it out and host N8N, a workflow automation tool there। एंड इसको तुम अपने आप अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। इसमें तो तुम्हें क्या मिल जाता है भाई, AMD का तुम्हारा प्रोसेसर यहाँ पे हो रहा होता है, नेटवर्क स्पीड में 300 Mbps नेटवर्क स्पीड आ जाती है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे तुम्हें 8GB RAM मिल जाती है, 2 core का CPU मिल जाता है तुम्हें, 100GB NVMe डिस्क स्पेस मिल जाती है, 8TB तक की bandwidth मिल जाती है। ठीक है, सो कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ जाके चूज प्लान पर क्लिक कर देना है, तुम्हारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू मेक द पेमेंट, 24 मंथ्स वाले में सबसे सस्ता पड़ता है, अगर तुम इसका चेंज करोगे 12 मंथ्स का करोगे तो इट विल बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, एंड अगर एक महीने का करते हो तो थोड़ा और महंगा हो जाता है। 24 मंथ से ट्राई करके देखते हैं, एंड फॉर यू गाइज, यू आर माई व्यूअर्स, अगर तुम जाके यहाँ पे निशांत कोड यूज़ कर लेते हो तो तुम्हें 10% ऑफ और मिल जाता है यहाँ पे, एज यू कैन सी, एंड कंटिन्यू करके यू कैन जस्ट लॉग इन एंड पे। सो आई विल जस्ट लॉग इन विद माई क्रेडेंशियल्स, तो मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है, आई विल गो, आई विल लॉग इन एंड आई विल शो यू हाउ द थिंग एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे VPS पे जाएंगे, VPS पे जाके एज यू कैन सी आई हैव अ लाइक सर्वर ऑलरेडी असाइन टू मी, दिस इज गोइंग टू एक्सपायर इन सम टाइम, एक साल बाद एक्सपायर होगा, आई एम गोइंग टू सेट इट अप, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, स्टार्ट नाउ, अभी इंडिया में ही दिखा रहा है, यू कैन चूज फ्रॉम एनी लोकेशन, आई विल चूज इंडिया, एंड यहाँ पे ना तुम्हें एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अब इन एप्लीकेशंस में एज यू कैन सी यू विल फाइंड N8N, हेयर इज N8N, यहाँ पे जो भी इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह होंगी ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेंगे, हमने N8N को सेलेक्ट कर लिया है। मालवेयर स्कैनर वगैरह तुम डाल सकते हो, आई विल कंटिन्यू। ठीक है, एक रूट पासवर्ड ऐड कर लेना भाई, इस पर रूट पासवर्ड हमने इस कर लिया, यू विल हैव टू ऐड एन SSH की एज वेल, तो SSH ऐड कर लेते हैं, ये कॉपी करेंगे, वी विल ओपन अ टर्मिनल, टर्मिनल ओपन कर देंगे, ओपन टर्मिनल, रन दिस कमांड, वी विल जस्ट चेंज आर ईमेल हेयर। ठीक है, we got our SSH key, we'll just copy, we'll paste, and we have our SSH key, यहाँ पर डाल दिया हमने नाम, सेव कर दिया, एंड कंटिन्यू, फिनिश सेटअप, हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, नाउ वील गेट द, अभी सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, होने देते हैं, अनटिल द सेटअप इज़ डन आई विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया, हमारे पास SSH का ये आ गया है, इसमें डाल के देख लेते हैं, इट्स रनिंग, पास की मांग रहा है, पास की जो हमने पहले सेट करी थी वो है, डाल दिया, एंड आई एम लॉग्ड इन। अभी यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं, मैनेज VPS पे जाएंगे, अभी इसको स्किप कर देते हैं, एंड दिस इज़ आर IP एड्रेस जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मोस्टली मैं सबको ब्लर कर दूंगा, नहीं तो क्या पता तुम कुछ कर लो भाई। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हमें काम करना है N8N चलाना है अपना। N8N कैसे चलाएंगे जल्दी दिखा देता हूँ, तो बेसिकली हमें क्या करना है, N8N डॉट यहाँ पे होस्ट नेम कॉपी कर देना, मैंने पहले किया था, तो ये हमारा खुल जाएगा, यहाँ जाके हमें अपना क्रिएट करना है अकाउंट, तो अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, एंड ऐसे करके हम कर लेंगे अपना सेव। सो वी हैव इट,
क्रेडेंशियल्स में जाके पहले तो कुछ क्रेडेंशियल्स हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस पूरे ऑटोमेशन के लिए 3 क्रेडेंशियल्स तो चाहिए होंगे। एक हमें नोशन चाहिए होगा जहाँ पे हमारा फाइनल पोस्ट आ रहा होगा, परप्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग एंड हमारा ओपन AI फॉर एक्चुअली कन्वर्टिंग दैट इनटू मार्कडाउन। ठीक है, तो ऐड योर फर्स्ट क्रेडेंशियल, हमने यहाँ पे ओपन AI ऐड कर देते हैं। ओपन AI की हमें ऐड करनी पड़ेगी API की। तुम भाई platform.openai पे जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके API की में जाके यहाँ पे तुम अपनी API कीज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। मैं बहुत करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हमने N8N की API की अपनी जनरेट कर ली है। आई कॉपी दिस, इसके बाद कभी दिखेगी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। आई पेस्ट दिस, कुछ ज़रूरत नहीं है, एंड आई सेव। सो नंबर वन क्रेडेंशियल इज क्रिएटेड, इट इज सेलेक्टेड, मतलब बन गया है। सिमिलरली वील नीड मोर क्रेडेंशियल्स, विल गो टू क्रेडेंशियल्स। परप्लेक्सिटी का कुछ और जुगाड़ तरीका होता है, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। उसके लिए आई शो यू हाउ वी कैन डू दिस। वी विल ऐड अनदर क्रेडेंशियल, वी विल नीड नोशन हेयर, नोशन API हम ऐड कर देंगे, राइट। बस हमने अपना API की नोशन की यहाँ पे ऐड कर देनी है। कंटिन्यू, इंटीग्रेशन सीक्रेट एंड सेव। तो नोशन इज ऑल्सो एडेड, वी नीडेड टू थिंग्स, बोथ द थिंग्स आर एडेड नाउ। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ वर्क फ्लो। आई जस्ट क्रिएटेड अ वर्क फ्लो जिसमें मैंने परप्लेक्सिटी का जो जुगाड़ मैंने ढूंढा था उसको ऐड कर सकते हैं। आई ऐड दिस टू यू, क्वेरी परप्लेक्सिटी AI फ्रॉम योर N8N वर्क फ्लोज। दिस इज वट वी आर स्टार्टिंग विद, दिस इज द बेसिक सेटअप। यहाँ पे इट इज वेन क्लिकिंग टेस्ट फ्लो, इसको जब प्ले करेंगे इट विल सेट अप पैराम्स। ये देख लेते हैं, इसमें हमने सिस्टम प्रॉन्ट डाल दिया, यू आर N8N फैन बॉय, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बैक टू कैनवस, परप्लेक्सिटी में वी विल हैव टू ऐड क्रेडेंशियल, क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल, नेम परप्लेक्सिटी, वील ऐड द API वैल्यू हेयर, वील क्रिएट अ API की, इज क्रिएटेड, वील कॉपी दिस and we'll paste this and we'll save this. We have created our API credential for perplexity as well. ठीक है, तो already added है। इसमें से हमें ये वाली सारी चीज़ें भी डिलीट कर देते हैं, इसमें से ये चीज़ क्लीन आउटपुट को रहने देते हैं अभी के लिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ आर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम ऐड करेंगे। तो बेसिकली N8N में तुम्हें सब चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम ऐड कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम्हारा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम चैट करेंगे हे, तो अभी कुछ रिस्पांस नहीं आएगा। वी कैन जस्ट कनेक्ट दिस टू परप्लेक्सिटी, ठीक है, ये क्लीन रिस्पांस देगा। एक हम यहाँ पे अपना एडवांस्ड AI बॉट ऐड कर देते हैं, AI एजेंट विल ऐड, कनेक्टेड टू चार्ट ट्रिगर चार्ट, ठीक है। रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, और इसको हम अपना ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मॉडल को हमें कुछ दिमाग देना पड़ेगा, दिमाग देने के लिए हम यहाँ पे अपना यूज़ कर लेंगे OpenAI। OpenAI का चार्ट मॉडल हम यूज़ करेंगे, GPT-4 मिनी यूज़ कर सकते हैं हमारे, अब मैंने इसमें ऐड किया तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी विल यूज़ GPT-4 मिनी ओनली, सस्ता पड़ेगा, एंड वील जस्ट Safe. We'll go back to the canvas. We have added this. ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमारा पास मैसेज आएगा, मैसेज को परप्लेक्सिटी सर्च करेगा, उस सर्च रिजल्ट के बाद आउटपुट क्लीन होगा। क्लीन आउटपुट होने के बाद AI एजेंट उस आउटपुट में से ChatGPT से उसको एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा। उस फॉर्म को कन्वर्ट करवाने के बाद हम एक इसमें मेमोरी ऐड करते थे, मेमोरी में उस चीज़ सेव होगी, एंड फाइनली हमें यहाँ पे चाहिए होगा नोशन, नोशन टूल यहाँ पे होगा, नोशन से ये फाइनली उस पर डेटा हमारा ऐड कर दिया करेगा। तो दैट इज इट, ठीक है। वील ऐड अ नोशन पेज, आस्क इट टू डिफाइन ऑटोमेटिकली। अब इस वाले बटन से ना ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें डिफाइन विफाइन कर देता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप डिफाइन हो जाएंगी। रेड हो रहा है अभी, ये रेड क्यों हो रहा है, टाइटल ऐड नहीं किया हमने इसे, हमने टाइटल दे दिया, सब कुछ कर दिया, बैक करते हैं और हमारा नोशन भी ऐड हो गया है। मेमोरी के लिए यहाँ पे हमारे पास, अब इसके लिए बफर मेमोरी ही ऐड कर देते हैं, ईजीएस्ट है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बफर मेमोरी भी क्रिएट हो गई है, हमने अपना एजेंट को ये दे दिया है, एजेंट के साथ मेमोरी भी अटैच कर दी है, और उसको हमने टूल भी दे दिया, एंड एक के साथ मल्टीपल टूल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिंगल एक टूल डालने की ज़रूरत नहीं होती है हमें,
ठीक है, लेट्स थिंक इफ एनीथिंग इज लेफ्ट. आई एम ऑल्सो लाइक डेवलपिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू गाइज. थोड़ा बहुत मैंने मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम क्रिएटिंग एन AI एजेंट विद यू. सो आई होप यू आर फाइन. परप्लेक्सिटी में जाके करेगा, मॉडल से रिस्पॉन्स आएगा, JSON सिस्टम प्रॉम्प्ट में रेड आ रहा है. तो हमने गड़बड़ कर दी, सेट पैराम्स वी नीडेड, सेट पैराम्स हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है. तो वी विल जस्ट कॉपी दिस ऊपर एंड वी विल यूज द सेट पैराम्स फ्रॉम हेयर. तो दिस इज आर बेसिक AI एजेंट दैट वी हैव क्रिएटेड. अब ये क्या करेगा, चैट मैसेज में हम इसको बोलेंगे, बाद में इसको हम ऑटोमेट कर देंगे प्रोसेस को. चैट मैसेज में हम इसको बोलेंगे कुछ बना इससे रिलेटेड न्यूज़ लेके हमारे पास, वो न्यूज़ लेके आएगा, पैराम्स वराम्स ठीक करेंगे, गूगल सर्च मतलब परप्लेक्सिटी पे सर्च करेगा, सर्च करके आउटपुट को क्लीन करेगा, क्लीन आउटपुट हमारा AI एजेंट के पास जाएगा. AI एजेंट फिर चैट GPT से उसको कन्वर्ट करके हमारा एक मार्कडाउन फॉर्मेट में उसको ले आएगा. सो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद, काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद मैंने 2-3 चीज़ गलतियाँ करी थी. आई टेल यू मैंने क्या पूरा अपना ऑटोमेशन बना दिया है. वी हैव क्रिएटेड आवर AI एजेंट जो फाइनली हमारा सारा काम कंप्लीट करने के बाद हमारे लिए टेक न्यूज़ लेके आ जा रहा है. अब मैंने इसमें एक स्केड्यूल ट्रिगर लगा दिया है जो दिन में हर बार चलेगा. एज यू कैन सी यहाँ पे कितना टाइम वाइम लगाना है सब कुछ हम सेट कर सकते हैं. पैराम्स में मैंने ऐड कर दिया है भाई एक सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है. सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैंने बेसिकली डाल दिया है कि तुम्हें न्यूज़ व्यूज़ निकाल के लानी है, टॉप 5 टेक न्यूज़ रिलेटेड टू AI आज के दिन जो भी हुआ है वो सब लेके आना है. यूज़र प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया है, रोज़ सेम जाया करेगा. देन परप्लेक्सिटी में हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. यहाँ पे मैं गलती क्या कर रहा था, मैं बेयरर टोकन जो था उसके आगे बेयरर नहीं लिख रहा था, इस वजह से हमारा बार बार फेल कर रहा था. आई रिसर्च थोड़ा गूगल किया एंड फाइनली आई फिगर्ड आउट व्हाट वाज़ द प्रॉब्लम. जेसॉन फॉर्मेट अपना ठीक किया, बेयरर टोकन ठीक किया, वी वर एबल टू गेट द आउटपुट यहाँ पे. नेक्स्ट उसके बाद इस आउटपुट को हमने थोड़ा क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए हमने इसको क्लीन वाला जो डाला हुआ था उसको ऐड कर दिया. उसके बाद वी क्रिएटेड आर AI एजेंट. AI एजेंट का मैंने यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डला दिया, उसको बोल दिया कि जो ये तेरा पूरा परप्लेक्सिटी ने फाइनल आउटपुट दिया है इस आउटपुट को तेरे को यूज़ करना है, इसको यूज़ करके तेरे को मेरे को 1000 वर्ड्स के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर एक अपना आउटपुट ला के दे देना है एंड इस आउटपुट को मैं बाद में नोशन पे जाके पब्लिश कर दे रहा हूँ. तो टेस्ट वर्क फ्लो पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखो तुम पैराम्स उसको चले जाएंगे, परप्लेक्सिटी पर रिक्वेस्ट चली जाएगी, रिक्वेस्ट जाके वो सर्च कर लेगा, सर्च करने के बाद आउटपुट क्लीन होने के बाद AI एजेंट अपना काम कर देगा, कंटेंट राइटर बॉट अपना काम करेगा, कंटेंट लिख देगा एंड वो जाके नोशन पे हमारा देन पब्लिश हो जाएगा. एज यू कैन सी आर ये टॉप टेक न्यूज फ्रॉम February 2025 as AI continues to reshape the tech landscape. Here are five notable stories from February 23, 2025. मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया था कि डेट भी डालनी है. The dark side of generative AI, a recent newsletter sheds light on the resource heavy nature of generative AI. Open AI experimental model for instance is consuming vast amount of electricity. Highlight the blah 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 blah. एंड ऐसे करके मैंने पूरा बना दिया. नाउ वट आई कैन डू मोर इज इसके साथ अगर मैं 11 लैब्स को कनेक्ट कर दूं तो मैं इससे ऑडियो जनरेट करके रील डायरेक्टली बना सकता हूं. सो इट कैन कन्वर्ट इनटू अ AI एजेंट दैट विल क्रिएट वीडियोस फॉर मी. सो या दिस इज़ द होल थिंग. तुम खुद के AI एजेंट्स वगैरह बना सकते हो. दिस वॉज अ बेसिक आइडिया. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, I also struggled. I was making an AI agent for the first time. थोड़ी मेरे को टाइम लगा बट आई वॉज एबल टू डू इट. कुछ नहीं है, बहुत ईजी है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कोड, यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू रीड JSON. JSON क्या होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स कैसे डाल सकते हो एंड यू आर गुड टू गो. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.